हेलो एवरीवन, हमारा आज का जो चैप्टर है वो है गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल। वी लिव इन क्लीन एंड वेंटिलेटेड हाउस। हम अपने घरों में नीट एंड क्लीनली रहते हैं। हमारा हाउस जो होता है प्रॉपर वेंटिलेशन होती है उसमें, और ये सब ज़रूरी होता है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। इसी तरह से हमारी हेल्थ के लिए क्लीन सराउंडिंग्स भी होना चाहिए। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसमें ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम रहते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स भी सराउंड करते हैं। ये जो एनवायरनमेंट होता है बहुत ही क्लीन होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसे क्लीन करें। हमें वहाँ गार्बेज के साथ या सीवेज के साथ इसको लिटर नहीं करना चाहिए, इसे गंदा नहीं करना चाहिए, वेस्ट मटेरियल्स नहीं यहाँ वहाँ फेंकने चाहिए। और हमें एक राइट वे होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को, गार्बेज को डिस्पोज ऑफ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ वेस्ट। जो भी चीज़ हमारे यूज़ में नहीं होती है दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट। एनीथिंग दैट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस इज़ कॉल्ड वेस्ट। दो टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं विच ईजिली रोट एंड मिक्स विद द सॉइल, जो आसानी से सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, उनके साथ ईजिली रोट हो जाते हैं। जैसे कि जितने भी फूड वेस्ट हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, लीव्स हैं, ग्रास, पेपर, फ्लावर्स, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, ये सब होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो आसानी से सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते हैं, आसानी से सड़ते नहीं हैं, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये वेस्ट वो होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, मेटल्स, केमिकल्स एंड ग्लास। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक क्लीन एनवायरनमेंट का। हमें जो वेस्ट होता है वो स्ट्रीट्स पे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑल, दिस ऑल इज़ बैड फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। इट मेक्स द सराउंडिंग डर्टी कर देता है, और इससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है उसे भी गार्बेज को कलेक्ट करना चाहिए सिटीज से, और उसे गार्बेज डंपिंग साइट्स पे डंप करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं लैंडफिल्स। लैंडफिल यूजुअली क्या होता है, सिटीज से काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, तो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो वहाँ पे कंपोस्ट पिस में, लार्ज कंपोस्ट पिस बने होते हैं, वहाँ पे थ्रो करना चाहिए, जिससे कि बाद में क्या बनता है, मैन्योर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। ये हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो जो भी गार्बेज है हमारे घरों में, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसे फेंकने से पहले उसे सिग्रीगेट किया जाए। ठीक है, वी शुड हेल्प टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। इससे हमारी सराउंडिंग्स बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेंगी। कभी कभार अगर गार्बेज वैन नहीं आती है तो ये हमारी ड्यूटी है कि लोकल अथॉरिटीज़ को हम इसके बारे में इन्फॉर्म करें। बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो प्रोवाइड करती है डिफरेंट कलर्ड गार्बेज बिन्स। आपने देखे होंगे कई जगह पे ग्रीन कलर के गार्बेज बिन्स होते हैं, कई जगह के जगह पे ब्लू कलर के गार्बेज बिन्स होते हैं। जो ग्रीन कलर के गार्बेज बिन्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, और जो ब्लू वाले होते हैं दे आर मेंट फॉर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमें जो है ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उन्हें अलग अलग रखना चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द गार्बेज। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजिंग वेस्ट। किस तरह को हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो कंपोस्ट किए जाने चाहिए। उन्हें या तो कंपोस्ट पिट में डाल देना चाहिए, जैसे कि हम गार्डन में अपने कंपोस्ट पिट बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हमें इसे सेपरेटली डिस्पोजिट करना चाहिए। वेस्ट जो है वो रिसाइकिल किए जा सकते हैं, जैसे कि पेपर और ग्लास को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। मेटल और प्लास्टिक जो है, इट शुड बी गिवन अवे टू द वेस्ट कलेक्टर्स या फिर कबाड़ी वाला। पेंट्स और केमिकल्स टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, इसे अलग से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। हमें 4 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूस की। जितनी भी चीज़ें हम खरीदते हैं उस अमाउंट को रिड्यूस करना चाहिए, ताकि हम कम खरीदें तो हम चीज़ों को कम ही फेंकेंगे। हमें डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट्स, ये सब यूज़ करने बंद करने चाहिए, ताकि इससे गार्बेज भी कम हो। नेक्स्ट इज़ रीयूज़ दोज थिंग्स अगेन दैट कैन बी रीयूज इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम। जिन चीज़ों को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि थ्रो करना चाहिए। जितने भी प्लास्टिक जार्स हैं या जो ग्लास हैं, इन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं। किसी की भी टेक्स्ट बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, किसी से लेके बोरो करके हम उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम अपनी पुराने कपड़ों को, टॉयज़ को डोनेट कर सकते हैं। जिन्हें नीडी पीपल है जैसे, उनको हम दे सकते हैं, तो ये दोबारा से रीयूज़ हो सकते हैं। रिप्लेस
ट्राई टू रिप्लेस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स विद द बायोडिग्रेडेबल वंस, मतलब हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल की जगह बायोडिग्रेडेबल यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हम क्लोथ बैग्स और पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं, ना कि प्लास्टिक बैग्स को, ठीक है। और जैसे कि हम डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स को यूज़ करते हैं, इन्हें भी हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को यूज़ करके जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। हमें पेन यूज़ करना चाहिए जो ईयर्स तक चले, ना कि यूज एंड थ्रो वंस, ठीक है। लास्ट इज रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम्स इनटू रॉ मटेरियल्स और फिर उससे नए प्रोडक्ट्स बनाना और उसे यूज़ करना, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, मेटल्स, ये सब रीसाइकिल हो सकता है। हमें इन चीज़ों को कलेक्ट करना चाहिए अलग से और इन्हें हमें वेस्ट कलेक्टर्स को या कबाड़ी वालों को दे देने चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरा आज का सवाल ये है कि अगर आपने ग्रीन वाले और ब्लू वाले डस्टबिन्स देखे हुए हैं, कहाँ देखे हैं, ये मुझे ज़रूर बताना। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, इसे लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।